आप लोग को एक बात बताऊं, यहाँ पे ऐसा प्लान है कि 2030 तक इंडिया के अंदर 30% जो कारें हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। और तो और ये भी प्लान किया जा रहा है कि 2025 के बाद शायद इंडिया में 150 cc से कम की कोई भी पेट्रोल बाइक यहाँ पे बिकेगी नहीं। अगर कोई भी छोटी गाड़ी खरीदने जाएगा उसको सिर्फ मार्केट में इलेक्ट्रिक ऑप्शंस भी देखने को मिले। बिल्कुल कुछ कुछ इसी तरह की कहानी चल रही है। और आखिर इंडिया में सच में जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी का हो सकता है यानी कि ईवी का, या फिर ये फ्यूचर ऑलरेडी आ चुका है, इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले एक बात करने वाले कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और जो नंबर वन प्रॉब्लम यहाँ पे जो सॉल्व होने वाली है वो है कार्बन एमिशन की। अब डिटेल में इसके बारे में थोड़ी देर से बात कर लें कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ी के बीच के कार्बन एमिशन का डिफरेंस क्या है, लेकिन पेट्रोल और डीजल से कार्बन एमिशन तो होता है और इवन जो डीजल व्हीकल्स होते हैं वो दूसरे टाइप की गैसेस भी काफी ज्यादा एमिट करते हैं, जिससे ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और यही एक रीजन है कि एक पेट्रोल गाड़ी की जो लाइफ रहती है आरटीओ से जो रजिस्ट्रेशन होता है 15 साल का होता है, जबकि डीजल गाड़ी की लाइफ सिर्फ 10 साल होती है। इससे बड़ी जो प्रॉब्लम जो इस समय इंडिया फेस करता है वो करता है अपने जो रुपी होता है जो डॉलर के बीच में जो कन्वर्जन रेट होता है वो, क्योंकि इस समय जो मेजोरिटी इंडियन रुपी अपनी जो वैल्यू लूज कर रहा है वो लूज कर रहा है जो क्रूड ऑयल जो बाहर की कंट्रीज से मंगवाता है। इससे इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है वो तेजी से इंक्रीज हो रहा है और इससे जो रुपी रहता है वो काफी तेजी से वीक हो रहा है, यानी कि इंडिया में क्रूड ऑयल इतना ज्यादा मिलता नहीं बन के खड़ा हुआ है कि इस वाली जो प्रॉब्लम होती है ना उसको यहाँ पे सॉल्व करने की यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरत है। और इसी केस के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है। अब ईवी को देखा जाए तो इंडिया में अलग अलग रूप से प्रमोट किया जाता है, जिसकी सबसे पहले तो बात करें टैक्सेस की। क्या आपको मालूम है कि अगर आप एक कार खरीदने वाले हो, अगर वो पेट्रोल गाड़ी और उसकी लेंथ अगर 4 मीटर से कम है और इंजन अगर 1200 cc से कम है, उसके अंदर 28% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन भाई गाड़ी की लेंथ अगर 4 मीटर से ज्यादा बड़ी है और इंजन का साइज 1200 cc से ज्यादा हो गया, यहाँ पे 45% से लेकर 50% तक आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं GST और सेस मिला के। इसलिए इंडिया में जितनी महंगी गाड़ी खरीदते जाएंगे उसके अंदर आपको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये चीजें आपने अलग अलग देखी है, मतलब एक 25 लाख की गाड़ी आपको 50 लाख तक भी पड़ सकती है। इस टाइप की चीजें इंडिया में एग्जैक्टली होती हैं। लेकिन वहीं बात करें इलेक्ट्रिक गाड़ी पर काफी सारे बेनिफिट्स रहते हैं। सबसे पहले तो टैक्सेस सिर्फ 5% आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हर आधार कार्ड पे आपको FAME II सब्सिडी देखने को मिलती है, मतलब कि एक आदमी का जो एक आधार कार्ड होता है वो एक आदमी FAME II की सब्सिडी ले सकता है, जो कि डिपेंड करती है बैटरी की कैपेसिटी पे कि कितने किलोवाट आवर की बैटरी है। और कुछ व्हीकल्स ऐसे जहां पे काफी अच्छी सब्सिडी देखने को मिल जाती है और काफी अफोर्डेबल रेट में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, ये लोग भी अलग अलग टाइप की सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं अपने सिटीजन को कि वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे, उसको यहाँ पे चलाएं, बदले में आपको सब्सिडी देखने को मिलेगी। कि कुल मिला के मेन एम ये कार्बन एमिशन कम करना है, पॉल्यूशन कम करना है, और यहाँ पे बात की जाए तो एग्जैक्टली पेट्रोल के ऊपर जो रिलायंस वो थोड़ी यहाँ पे कम करना है। और इन सबके बाद आती है कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आखिर इतने ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, क्योंकि अगर इतने ज्यादा छूट दी जा रही है, टैक्सेस कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको काफी ज्यादा हाई रेट में देखने को मिलते हैं। क्योंकि बात की जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं काफी सारे तो इंडिया में बनते हैं, लेकिन जो सबसे महंगा कंपोनेंट होता है वो होती है उसकी बैटरी। बैटरी इंडिया में नहीं बनती, मतलब इंडिया में बैटरी पैक ये लोग वगैरह बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक लिथियम बेस्ड बैटरीज होती है, अगर आपको नहीं मालूम तो 80% से ज्यादा बैटरीज यहाँ पे चाइना से इंपोर्ट होकर आती है। और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा लिथियम का जो सप्लायर है वो है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से लिथियम खदानों से निकाला जाता है, चाइना जाता है, चाइना में सेल्स बनते हैं और वो सेल्स इंडिया में आते हैं और उसके बाद इंडिया में बैटरी पैक बनता है या फिर कई लोग बाहर से बैटरी पैक वगैरह बना के लाते हैं। अब यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो बाहर से मंगाना पड़ रहा है, वो इंडिया में नहीं बनता है, इसलिए उसकी कीमत यहाँ पे काफी ज्यादा हो रही है। और यही सब करने के लिए अलग अलग टाइप की स्कीम है कि इंडिया में अलग अलग टाइप के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओपन किए जाए। यहाँ पे बात करें तो एक्साइड ओपन करने वाले एक अमर राजा बैटरीज है, वो भी यहाँ पे काम कर रही है। और अभी रिसेंटली न्यूज में भी पता चला था कि ओला इलेक्ट्रिक जो है वो भी यहाँ पे अपने खुद का एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी। अब बैटरी की अगर सेल्स भी अगर इंडिया में बनने लगे ना, ये बहुत बड़ी बात होगी। इसका इंपैक्ट यहाँ पे ये पड़ेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली इंडिया को बाहर से सबसे पहले तो बैटरी पैक इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और अगर बैटरी सेल्स अगर इंडिया में बनने लगे इससे इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी मैन्युफैक्चरिंग करने में अच्छा रहेगा, और इवन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर लिथियम बेस्ड बैटरीज लगती हैं उनके अंदर भी ये चीज अगर मिलेगी तो उनके प्राइस में भी रिडक्शन आएगा। और ये सब करने से बहुत बड़ी जो कीमत रहती है वो यहाँ पे बच जाएगी अगर बैटरी के ऊपर जो रिलायंस होती है वो यहाँ पे खत्म कर दें। इसके बगैर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो कीमत है इलेक्ट्रिक गाड़ी की, मतलब एक अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी की यहाँ पे
कम होते हुए आपको देखने को मिले। इसके साथ ही बात की जाए तो अगली जो चीज़ जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया में बहुत ही लिमिटेड चार्जिंग पॉइंट्स है और इवन मैंने खुद ने जाके चेक करे थे कि कुछ जगह के चार्जिंग पॉइंट्स काम नहीं करते, छुपे हुए रहते हैं। इवन एथर जैसी कंपनी का भी चार्जिंग पॉइंट मिला था, वो भी बिल्कुल छुपा हुआ देखने को मिला था। इसको थोड़ा मैच्योर और थोड़ा पॉपुलराइज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इसके साथ ही बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ भी अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ही लिथियम बेस्ड बैटरी के साथ एक बेनिफिट ये है कि जब पेट्रोल जल के बिल्कुल धुआं बन जाता है ना, लिथियम वाली बैटरीज डिग्रेड करती है और उनको रिसाइकिल करके दूसरी जगह इसको यूज किया जा सकता है, तो ये भी एक बैटरी के लिए काफी अच्छी चीज रहती है। खैर इसके साथ ही बात आती है यहाँ पे पॉल्यूशन की। अब बात की जाए तो यहाँ पे लोगों का सवाल रहता है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ पे चला रहे हो और ऊपर से वो कोल से उसके अंदर एनर्जी निकल रही है और मेजोरिटी जो पॉल्यूशन होता है वो कोल क्रिएट करता है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात रहती है यहाँ पे, लेकिन इंडिया के केस में बात करें तो ऑलमोस्ट 60% एनर्जी जो रहती है वो कोल से निकाली जाती है, लेकिन 40% रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि कुछ सालों के अंदर 50-50 भी हो जाएगा। और इंडियन गवर्नमेंट के ऐसे प्लान्स है कि ये लोग सोलर को भी ज्यादा प्रमोट करते हैं और आज के समय में सोलर पैनल्स लगाना भी काफी ज्यादा आसान हो गया है। और कोई आदमी अगर अपने घर पर सोलर पैनल लगाता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाता है, कार्बन एमिशन तो फिर उसका जीरो ही हो गया, यानी कि रनिंग कॉस्ट उसकी काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो गई। हालांकि बात की जाए तो जिस तरीके से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है तो देखा जाए तो फिर भी एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कार्बन एमिशन किसी भी पेट्रोल गाड़ी की तुलना में कम रहेगा, क्योंकि गाड़ी बनाते समय कार्बन एमिशन वगैरह होता है, लेकिन अगर मैं उसे रिन्यूएबल सोर्सेज से चलूं तो वो कम्प्लीटली क्लीन व्हीकल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं कंपेयर करूं एक पेट्रोल गाड़ी और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को, दोनों को मैंने फैक्ट्री से बन के निकाला, उसके बाद पेट्रोल गाड़ी को मैं से पेट्रोल से चला रहा हूं और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को सिर्फ मैं उसी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करूं जो कोल से निकल रही है ना, फिर भी एंड ऑफ द डे यहाँ पे जो दूसरा व्हीकल है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा पेट्रोल व्हीकल से। ये एक बात फैक्ट हो जाती है, काफ़ी स्टडी से पता चला था कि आप कुछ भी कर ले एक इलेक्ट्रिक गाड़ी कम से कम यहाँ पे निकालेगी। लेकिन इंडिया में अगर रिन्यूएबल सोर्सेज आ जाए, जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के ऊपर थोड़ा और फोकस किया जाए, या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहा है अगर वो सोलर पैनल्स लगा के उसे चार्ज कर रहा है अपने घर से, उस केस में उससे ज़्यादा क्लीन आपको कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, तो ये भी एक चीज़ है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बोलते हैं कि लिथियम निकालने में भी यहाँ पे पॉल्यूशन होता है। यहाँ पे होता है, लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ से दुनिया का लगभग 80% लिथियम निकाला जाता है, वहाँ पे पॉल्यूशन की जो मेजर समस्या है ना, वो यहाँ पे क्रिएट करती है ऑयल रिफाइनरीज, ना कि लिथियम की जो माइंस होती हैं वो। और बात ये कि लिथियम को आप आगे चल के रिसाइकल वगैरह भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो आती है फ्यूल सेल की, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। अब इंडिया में देखा है तो लिथियम मिलता नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के थ्रू कार चलाना भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन डालेंगे लेकिन घुमा फिरा के वो इलेक्ट्रिक कार है। और इलॉन मस्क खुद फ्यूल सेल को फूल सेल बोलते हैं, क्योंकि बात की जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल के कन्वर्ट करके आप उससे हाइड्रोजन निकालेंगे, यानी कि पानी से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसके बाद फिल करके उसके बाद दोबारा से जब इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फन फैक्ट की बात है कि पिछले 20 साल से टेक्नोलॉजी यूएसए के अंदर है, लेकिन वहां अपनी अलग से जगह बना नहीं पाई, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाया। लेकिन इसके साथ ही इंडिया में भी काफी सारे अलग मेटल्स जैसे थोरियम वगैरह हो गए, तो अलग अलग चीजों पर यहाँ पे काम किया जा रहा है, जिससे एक ऑल्टरनेटिव भी क्रिएट किया जा सके लिथियम वाली बैटरीज का, क्योंकि लिथियम बेस्ड बैटरीज एक अच्छा सॉल्यूशन तो है लेकिन टेम्पररी, और इसके ऑल्टरनेटिव पे जब काम किया जाएगा तो आपको और बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे को मालूम है कि अभी भी आप में से काफी सारे लोगों का सवाल होगा कि आखिर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या। तो एक आपको एक बात बता देता हूँ, इंडिया में जितनी भी टीयर वन टॉप की जो कंपनीज है वो लोग अपनी गाड़ी के अंदर सेफ्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है टीयर टू टीयर थ्री जो छोटी छोटी कंपनीज होती है उनके अंदर। क्योंकि बात की जाए तो इंडिया में कोई भी बैटरी के रेगुलेशन और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स अभी डिसाइड नहीं है, इसलिए मन चाहे ढंग से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान ना रखते हुए कुछ व्हीकल्स ऐसे बन जाते हैं जिनके अंदर आपको ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, किसी में फायर की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, कोई भी आप प्रीमियम ब्रांड उठा लीजिए उसके अंदर सेफ्टी की प्रायोरिटी काफी ज्यादा रहेगी, जैसे कि बजाज, टीवीएस, एथर, रिवोल्ट, इवन ओला को भी यहां पे इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि सेफ्टी के अंदर ये लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं और जो भी एक्सीडेंट होता है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो रेप्लिकेट ना हो। लेकिन फिर भी इंडिया में अगर बैटरी के रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस वगैरह आ जाए तो जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज आज के समय में आ गई हैं ईवी वाले बिजनेस में, वो यहाँ खत्म हो जाएंगी और जो अच्छी कंपनीज है सिर्फ उन्हीं की गाड़ी मिलेगी, क्योंकि उनमें अच्छे तरीके से सेफ्टी के रेगुलेशंस वगैरह यहाँ पे डाले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आग लगने की प्रोबेबिलिटी पेट्रोल गाड़ी से काफी
ज्यादा कम रहती है। बस बात यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की आग लगने के लिए जो लोग होते हैं वो ज्यादा प्रमोट करते हैं, न्यूज में आपको ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी में उससे ज्यादा आगे लगती है लेकिन उसकी न्यूज लोगों तक नहीं पहुंचती। एक फन फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को बिलीव नहीं हो तो किसी पेट्रोल डीजल की कार अपनी फेवरेट कार का नाम रख के फायर लिख के बस एक बार गूगल सर्च कर लेना, उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट तो यहाँ पे आपको आग लगने की देखने को मिली जाएगी। बस यही एक चीज है। लेकिन ओवरऑल बात करें सेफ्टी के स्टैंडर्ड से भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी कंपैरेटिवली पेट्रोल और डीजल गाड़ी से कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ रहती है, क्योंकि लिथियम वाइज बैटरीज में अगर आग लगती है तो इतनी तेज से आग नहीं लगती जितनी तेज से पेट्रोल गाड़ी के अंदर आग लगती है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि कंपनी वाले अपने अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ज्यादा बेटर करो। इंडिया में अगर एक बार बैटरी और सेफ्टी के कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स और इंस्ट्रक्शंस वगैरह आ जाए ना, उसके बाद आपको और ज्यादा सेफर व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको बता सकता हूं कि काफी सारे व्हीकल्स ऑलरेडी सेफ है लेकिन इनकी सेफ्टी आने वाले समय में और भी ज्यादा बेटर होने वाली है। और इसी के साथ ही बोलना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी रहती है वो यहाँ पे एक स्मार्ट व्हीकल की तरीके से, मतलब कि स्मार्ट व्हीकल पे आप यहाँ पे टेस्ला का एक एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट से गाड़ी की परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है, फीचर सेटअप हो जाते हैं, क्योंकि एक पेट्रोल इंजन को ऑप्टिमाइज करने के लिए खोलना पड़ेगा, ट्यूनिंग टेस्टिंग वगैरह सब करनी पड़ेगी। और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी का और जो मोटर रहती है बस उसी को ट्यून करने की यहाँ पे जरूरत है, जो कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट से बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का मतलब ये नहीं रहता कि आपको कमाल के फीचर्स देखने को मिल गए और एक बड़ी बैटरी और एक बड़ी मोटर लगा दी, जबकि उनके बीच में जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ये भी जरूर रहता है, जो कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर करके देता है जिससे एक बैटरी और जो उनका बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है दोनों अच्छे तरीके से काम करे और आपको बेस्ट पॉसिबल रेंज प्लस एक हाई स्पीड निकाल के दे। एक फास्ट मोटर एक बड़ी बैटरी को जोड़ने से इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बनती, उसके बीच में एक अच्छा सॉफ्टवेयर बैलेंस होना यहाँ पे जरूरी है। और जितनी भी टॉप की कंपनीज है जैसे टेस्ला या टाटा हो गई वो इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काफी ज्यादा काम करती है, यहां तक कि AI और मशीन लर्निंग भी लगी हुई है कि उनकी राइडिंग स्टाइल से देखे सीखे और आपके ऑप्टिमाइज करके आपको ज्यादा से ज्यादा रेंज निकाल कर दे। इवन आपके कम से कम एक्सीडेंट्स हो ये प्रोटेक्शन की जाती है, अलग अलग सेंसर्स लगाए जाते हैं, सेल्फ ड्राइविंग के अंदर थोड़ी बहुत असिस्टेंस वगैरह लगाई जाती है ताकि गाड़ी को और ज्यादा सेफ बनाया जा सके और जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे रोका जा सके। इस तरीके से भी AI और अलग अलग सेंसर इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर जितने तेज से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और इतना ज्यादा इनोवेशन जो पुराने पेट्रोल व्हीकल्स थे ना उनके अंदर आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, ये चीज यहाँ पे से काफी ज्यादा अलग बनाती है। लेकिन फिर भी बात है कि अभी भी हम थोड़े से इनिशियल फेज में, मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि 2-3 साल के अंदर इंडिया में 2-व्हीलर का मार्केट कंप्लीट इलेक्ट्रिक होने वाला है। और वहीं बात करें 4-व्हीलर में उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 2030 तक, लेकिन उसमें भी बहुत ही मेजर चंक आगे चल के इलेक्ट्रिक होगा क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइस ज्यादा जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे यहाँ पे काम हो रहा है तो लोगों का झुकाव यहाँ पे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसके साथ ही बात है कि यहाँ पे अभी कोई भी जो ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी पे काम नहीं कर रही है वो मान के रखिए मेरी बात कि आने वाले 10 साल के अंदर मार्केट से गायब हो जाएगी। ये अभी वही समय जब ओरिजिनल आईफोन आने के बाद काफी सारी कंपनीज ने बॉयकॉट कर दिया कि हम इस टाइप के प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे अलग तरीके का, जैसे नोकिया ब्लैकबेरी। लेकिन कोई कंपनी जैसे सैमसंग जैसी कंपनी जो अडॉप्ट कर ले और काफी सारी जो नई कंपनी जब जो मार्केट में कूद रहे नए ट्रेंड को देख के वो लोग यहाँ पे लंबा गेम खेल सकते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो 100 साल से पेट्रोल और डीजल और आइस व्हीकल की मोनोपोली थी, लेकिन अब जाके जो कहानी वो पूरी 180 डिग्री फ्लिप होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है, कुछ सालों में ये बात और अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों को समझ में और आने लगेगी। तो बस ये कुछ कहानी होती कि आखिर इंडिया में क्यों है फ्यूचर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का और क्यों किस तरीके से फ्यूचर ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। देखते फ्यूचर में बाकी सारी कंपनीज यहाँ पे किस तरीके से काम करती और उनके क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। बाय द वे आप लोग को इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद है या नहीं, या आप लोगों को लगता है कि फ्यूचर है या नहीं है, जो भी आपको ओपिनियन बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वन में गुड बाय।